Hello students, welcome to lecture 7 of human reproduction. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Somani Center for Excellence. Last lecture mein hum logon ne menstrual cycle cover kar liya tha. Ab is lecture mein hum log baat karenge fertilization ke bare mein, theek hai? To fertilization jo hai wo humko pata hai ki wo female body mein hone wala hai. Ab isme humko pata hai fertilization kiske beech mein hone wala hai, sperm aur egg ke beech mein hone wala hai. ठीक है, तो स्पर्म का एक पाथ है, स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करने के बाद कैसे पहुंचेगा एग के पास, ठीक है, और एग का भी एक पाथ है. तो हम देखें, स्पर्म जो है वो वेजाइना में एंटर करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म आर रिलीज इन वेजाइना, वेजाइना से वो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू यूट्रस में पहुंचेंगे, यूट्रस से स्टमक के पास, ठीक है. वैसे ही एग जो है, ओवम जो है वो ओवरी से रिलीज होगा, फिमरे के थ्रू इन्फेंडिबलम में पहुंचेगा, एम्बुलम में पहुंचेगा. ये आप पीछे के डायग्राम में देख सकते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के डायग्राम क्या है. और फाइनली फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा हमारा, एम्बुलरी स्टमस जंक्शन, ठीक है. तो इधर से स्पर्म पहुंच रहा है, उधर से एग पहुंच रहा है, एम्बुलरी स्टमस जंक्शन, उस पॉइंट में जो है फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, समझ गए. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स. हम इसमें ये नहीं बोल सकते कि ओवरी में हो रहा है या फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है. फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ हो रहा है, एम्पुलरी स्टमस जंक्शन या एम्पुला स्टमस जंक्शन, ठीक है. इतना समझ गए हम लोग, उसके बाद आगे चलते हैं इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस क्या है, ठीक है. फर्टिलाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है. तो इसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और पॉइंट्स बहुत ज्यादा भी है, तो इस लेक्चर को काफी ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स तैयार करिएगा, तभी जाके ये समझ में आएगा, ठीक है. फर्स्ट तीन प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम, एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इन द ओवम एंड एक्टिवेशन ऑफ ओवम. तीन प्रोसेस को हम लोगों ने इजीली समझ में आ जाए, तो तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया. पहले तो स्पर्म कैसे पहुंचेगा ओवम के पास, उसके बाद स्पर्म ओवम में एंटर कैसे करेगा, उसके बाद जब एंटर कर गया तो ओवम एक्टिवेट कैसे होगा और जाइगोट कैसे फॉर्म होगा, ठीक है. अप्रोच ऑफ स्पर्म, इट इज अ चांस फैक्टर, सो स्पर्म परफॉर्म रैंडम. स्पर्म को कोई डायरेक्शन नहीं पता होता कि किधर जाना है. और एक चीज और याद रखना है, एक महीने में लेफ्ट एग ओवरी जो है एग रिलीज कर रही है, एक महीने में राइट, ठीक है. स्पर्म एंटर कर रहा है वेजाइना के थ्रू, सर्वाइकल कैनल के थ्रू, उसके बाद आगे जाके यूट्रस के पास जाके उसे कैसे पता कि उसे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है. तो वो रैंडम मूवमेंट करने वाला है, मीन जितने भी स्पर्म रिलीज हुए हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, आधे लेफ्ट की तरफ जाएंगे आधे राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है. तो वो एक रैंडम मूवमेंट होगा. नंबर ऑफ स्पर्म वेरी हाई है, इन मेन 20 to 120 million स्पर्म आर प्रेजेंट पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ सीमेन, एक सीमन के एक मिलीमीटर में अराउंड 20 to 120 million जो है स्पर्म जो है हमको मिलेंगे. दूसरा चांस क्या बढ़ाता है, फर्टिलाइजेशन का चांस कैसे बढ़ता है, एक तो स्पर्म ज्यादा है इसलिए, दूसरा एग का जो साइज है वो 1000 times लार्जर है एज कम्पेयर टू स्पर्म, ठीक है. उसके बाद सम स्पेशल प्रोटीन आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ एग एंड स्पर्म टू हेल्प इन फर्टिलाइजेशन. अब स्पर्म के ऊपर और एग के ऊपर दोनों के ऊपर कुछ प्रोटीन्स है, कुछ रिसेप्टर्स है जो ये पता करेंगे कि ये जो स्पर्म आया है वो ह्यूमन का है, और अगर ह्यूमन स्पर्म है तो एग जो है वो ह्यूमन का है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन स्पर्म किसी और एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, और फीमेल एग, ह्यूमन फीमेल में एग जो है वो किसी और के स्पर्म से वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता. तो सबसे पहले सेम स्पीशीज का स्पर्म और एग होना चाहिए, उसके लिए पहचानने के लिए ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे इनको बोलते हैं फर्टिलाइजेंस, एक लिली साइंटिस्ट था जिसने बताया. तो सरफेस ऑफ एग, एग के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है कुछ प्रोटीन जिनका नाम है फर्टिलाइजर्स, ठीक है. दे आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेक्राइड. उसके बाद एग के स्पर्म के सरफेस के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है. तो एग के ऊपर फर्टिलाइजिंग और स्पर्म के ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग, लॉक एंड की जैसा हिसाब किताब है. एक के पास लॉक है, एक के पास की है, अगर दोनों मैच होगा तो ही आगे का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है. बोथ द प्रोटीन आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज, दोनों प्रोटीन स्पेसिफिक है, मीन्स एंटी फर्टिलाइजिंग ह्यूमन स्पर्म की किसी और स्पीसीज का, ठीक है. मान लो कि एप, एप के एग के साथ वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता, मैचिंग नहीं होगा, ठीक है.
The anti-fertilizing present on sperm of a particular species will react with fertilization of present of egg of same species. ठीक है, तो fertilization तभी होगा जब ये दोनों मैच होंगे, और इन दोनों के मैच होने के लिए दोनों एक ही स्पीशीज के होने चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें. इफ यू प्लेस सम एग्स ऑफ सी अर्चिन, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है हमारा. ठीक है, तो ये एग्लूटिनेशन मीन्स जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. सेकेंड पॉइंट जो है हम लोग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना है हमको. फर्टिलाइजिंग बिहेव लाइक लॉक एंड एंटी फर्टिलाइजिंग बिहेव लाइक कीज. ठीक है, तो फर्टिलाइजिंग जो एग पे प्रेजेंट है वो लॉक जैसा बिहेव करेंगे, और एंटी फर्टिलाइजिंग की जैसा बिहेव करेंगे. ये इंट्रा स्पेसिफिक मीन एक ही स्पीशीज में होगा. उसके बाद स्पेसिफिक पेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ मैमेलियन स्पर्म विच कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन ZP3 रीजन ऑफ जोना पेलुसिडा. तो जोना पेलुसिडा को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये प्रोटीन्स. ठीक है, और ये प्रोटीन भी एक तरह से वही काम करते हैं पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का. ठीक है, और इसके बाद एक्रोसोम में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे. ठीक है, स्पर्म जो है वो एग के सरफेस तक पहुंच गया, अभी उसको एंट्री नहीं मिली. ठीक है, एंट्री मिलने के लिए एक्रोसोम रिएक्शन होना जरूरी है. ठीक है, अगर हम ये इस प्रोटीन हटा देते हैं, ठीक है, स्पर्म फेल्स टू रिकॉग्नाइज द ओवम ऑफ इट्स ओन स्पीशीज. अगर स्पर्म से ये प्रोटीन हटा दे तो वो अपने ही स्पीशीज के ओवम को पहचान नहीं पाता. ठीक है, आगे चलते हैं. कुछ हॉर्मोन्स भी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. ये कौन कौन से हॉर्मोन है? ठीक है, मेल में जो है एंड्रोगेमोन्स है. ठीक है, और फीमेल में गैनोगेमोन्स. ठीक है, एंड्रोगेमोन्स वन हेल्प इन द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है. एंड्रोगेमोन्स टू डिजोल्व द जिलेटिनस कवरिंग प्रेजेंट ऑल ओवर द एग. एग के ऊपर एक थिक जिलेटिन जैसा सरफेस है, मीन्स बहुत म्यूकस जैसा सरफेस है, उसको डिजोल्व करने में, नहीं तो स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन जो है वो स्पर्म के सरफेस पे प्रेजेंट है, और ये स्पर्म को हेल्प करते हैं टू एंटर ओवम. उसी तरीके से एग के सरफेस पे भी कुछ हार्मोन है. फर्स्ट गैनोगेमोन्स वन, दिस हार्मोन न्यूट्रलाइज एंड्रोगेमोन वन एंड एक्टिवेट स्पर्म टू मूव. ठीक है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है मूवमेंट के लिए. ठीक है, और गैनोगेमोन्स टू जो है वो स्पर्म के हेड को स्टिकी करता है, जिससे वो ओवम में स्टिक हो पाए. ठीक है, उसके बाद स्पर्म में आगे की तरफ हमें पता है हेड के पास एक्रोसोम प्रेजेंट है, उसमें कुछ एंजाइम्स है, ये दोनों एंजाइम्स है डिजोल्व एग मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एन एक्रोसोम रिएक्शन. ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. मीन्स जो एक्रोसोम है वो एग से टकराया और उसने ये एंजाइम सिक्रीट किए हायलुरोनिडेज एंड स्पर्म लाइसिन, इसकी वजह से एग की मेम्ब्रेन को डिजोल्व किया. एग की मेम्ब्रेन डिजोल्व होगी तभी स्पर्म एंटर कर पाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन. ठीक है, तो मेम्ब्रेन टूट गई, उसके बाद स्पर्म हेड मेक द कॉन्टेक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग. नाउ इनर मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम इन्वेजिनेट आउटसाइड एंड फॉर्म अ रिजिड ट्यूब कॉल्ड एज एक्रोसोम फिलामेंट. ठीक है, तो एक्रोसोम फिलामेंट बनाएगा, बट मैमेलियन स्पर्म डू नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ फिलामेंट. मैमल्स में नहीं होगा, बाकी एनिमल्स में फिलामेंट बनेगा. ठीक है, उसके बाद मैमेलियन स्पर्म एक्वायर एक्टिविटी एट टू प्लेसेस, फर्स्ट एपिडिडाइमिस एंड सेकेंड वजाइना. ठीक है, एक एपिडिडाइमिस में जो है स्पर्म एक्टिवेट हुआ था, और दूसरा वजाइना में. वजाइनल सिक्रीशन मेक द स्पर्म हाईली एक्टिव. वजाइना में ऐसे सिक्रीशन है, एल्कलाइन सिक्रीशन है, जिसकी वजह से स्पर्म एक्टिवेट होता है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं कैपेसाइटेशन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेजाइनल सिक्रीशन मेक द स्पर्म हाईली एक्टिव एंड स्पर्म एक्वायर कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपेसाइटेशन. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर कैपेसाइटेशन. आगे चलते हैं इसमें हम लोग. अब एग कैसे एक्टिवेट होगा? ठीक है, ये काफी डिटेल्ड प्रोसेस है. ठीक है, इसमें से मोस्टली एक्टिवेशन ऑफ एग से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं. ठीक है, अगर आप ये लोग ये चीज़ अगर आप नहीं भी लिखेंगे नोटबुक में, एक बार समझ लेंगे तो भी चलेगा. इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. ठीक है, ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ स्पर्म एन एंजाइम इज इंड्यूस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग. ठीक है, तो जब स्पर्म एंटर किया उसने एक्रोसोम रिएक्शन किया, तो एग की मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम एक्टिवेट हुई, जिसको हम बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम, एंड फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज टू कैटलाइज
CAMP इन एग साइटोप्लाज्म। कैंप जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, इंड्यूस ऑल रिस्पॉन्स ऑफ एग फर्स्ट स्पर्म, ठीक है, ऑल द रिस्पॉन्स ऑफ एग फर्स्ट स्पर्म कलेक्टिवली कॉल्ड एज गायनोजेनेसिस, ठीक है। तो अब एग जो है रिस्पॉन्स करने लगा स्पर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम होंगे जो एक्टिव होंगे, लिबरेट करेंगे mRNA फ्रॉम इन्फ्लोसोम्स, ठीक है। तो इतना डिटेल टॉपिक हमको नहीं जाना है, तो इसमें हमको सिर्फ इतना ही याद रखना था कि CAMP बनेगा और CAMP जो है वो रिस्पॉन्ड कराएगा एग को फॉर स्पर्म, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म अब एंटर करने लगा है तो मियोसिस टू होगा। याद रखना है ओजेनेसिस में एग जो है वो मियोसिस वन के बाद रुक गया था, फिर से आप पीछे जाके देख सकते हैं कि मियोसिस टू तभी होगा जब स्पर्म एंटर करेगा एग में, नहीं तो एग पूरी तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाएगा अगर स्पर्म एंटर नहीं करेगा, ठीक है। मियोसिस टू इज इंड्यूस इन ह्यूमन एग बाय एक्सक्लूडिंग सेकेंड पोलर बॉडी, और जब मियोसिस टू हो जाएगा तो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और मैच्योर ओवम तैयार होगा, ठीक है। तो मैच्योर ओवम पहले से तैयार नहीं है, इमैच्योर ओवम के साथ स्पर्म मेट करता है, उसके बाद मैच्योर ओवम तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद विद द एंट्री ऑफ स्पर्म ऑल द कॉर्टिकल ग्रैनुल्स बर्स्ट एंड सीक्रेट ए मेम्ब्रेन अराउंड द एग इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, स्पर्म बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रीवेटलाइन फ्लूड, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, प्राइमरी एग जो है वो एक स्पेस सिक्रीट करेगा जिसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन फ्लूड, ठीक है। फंक्शन ऑफ पेरीविटलाइन फ्लूड एंड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन एग, सो नॉर्मली ओनली वन स्पर्म एंटर इनसाइड द एग, ठीक है। तो जब कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद दूसरा स्पर्म एग में एंटर ना करे, ये इसका काम है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, ठीक है। Sometimes more than one sperm enter inside the egg. अगर एक से ज्यादा sperm enter कर जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे polyspermy, ठीक है। अब यहाँ पे polyspermy दो टाइप का है, pathological, अगर nuclei सारे sperm के fuse हो जाएंगे, ठीक है, और embryo बनाएंगे तो ऐसा होगा, इसमें जो है embryo development नहीं होगा, तो ये possible नहीं है, इसमें जो है development of embryo नहीं होगा। दूसरा physiological polyspermy, nucleus of only one sperm fuses with egg and rest of sperm die in egg cytoplasm, ठीक है, एक ही sperm fuse कर रहा है तो यहाँ पर embryo development होगा, ठीक है। Humans में polyspermy absent है, ठीक है, तो हमको याद रखना है कि polyspermy humans में नहीं होगा, कुछ animals में polyspermy होता है, और अगर physiological polyspermy होगा तो ही embryo development होगा, pathological polyspermy हो रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस स्लाइड में से हमको कॉर्टिकल रिएक्शन याद रखना है, पेरीविटलाइन फ्लूइड का फंक्शन याद रखना है, पॉलीस्पर्मी के बारे में याद करना है, ठीक है। पॉलीस्पर्मी कब होगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा वो याद रखना है, और इतना याद रखना है कि ह्यूमंस में पॉलीस्पर्मी एब्सेंट होता है, ठीक है। ये स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब स्पर्म का फेट क्या है, स्पर्म का क्या होगा आगे। इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स ओनली हेड एंड मिडिल पीस एंटर इनसाइड द एग एंड टेल इज लेफ्ट। स्पर्म में तीन पार्ट थे, हेड, मिडिल पीस और टेल। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में हेड और मिडिल पीस एग में अंदर एंटर कर जाते हैं, टेल बाहर रह जाती है। मैमल्स में हमारे अंदर पूरा स्पर्म एंटर करता है टेल के साथ, ठीक है। कुछ एनिमल्स में ओनली हेड और स्पर्म एंटर्स इन द एग एंड मिडिल पीस रिमेन आउटसाइड, ठीक है। तो टेल और मिडिल पीस बाहर रहते हैं, तो हमको इस पे ज्यादा ध्यान देना है, मैमल्स में जो है पूरा स्पर्म एंटर करेगा एग के अंदर, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द एग स्पर्म रोटेट 180 डिग्री, अंदर जाके 180 डिग्री रोटेट करेगा। ऑल द स्ट्रक्चर स्पर्म डिसॉल्व इन एग साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट स्पर्म न्यूक्लियस, बाकी सारी चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। मतलब की चीज क्या है, न्यूक्लियस जिसमें डीएनए है, अब ये न्यूक्लियस और एग के न्यूक्लियस को फ्यूज होने की बारी है, जब ये दोनों फ्यूज होंगे एक सेल बन जाएगा। याद रखना स्पर्म भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तब डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट बन गया तो मींस फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब वो डिवाइड होके एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रियोल ऑफ एग जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, तो मींस जाइगोट के डिवीजन के लिए कौन सा सेंट्रियोल काम लगेगा, स्पर्म का सेंट्रियोल, ठीक है। तो स्पर्म का सेंट्रियोल दो डॉटर सेंट्रियोल बनाएगा, दो बनाएगा और दोनों पोल पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन तो आगे भी होने वाली है। अब न्यूक्लियस स्पर्म एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एग साइटोप्लाज्म, स्पर्म का न्यूक्लियस बचा, बाकी सब डिसॉल्व हो गया,
वो एनलार्ज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। उसी तरीके से फीमेल का जो बनेगा उसको हम बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, अब ये दोनों जो है, स्पर्म जो है वो मूव करेगा एक डिस्टेंस पे, इक्वेटर पे, इसको हम बोलेंगे स्पर्म पेनिट्रेशन पाथ। उसी तरीके से मेल प्रोन्यूक्लियस स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस। अब मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस की तरफ मूव करने लगेगा, उसको हम बोलेंगे स्पर्म कॉपुलेशन पाथ। उसी तरीके से फीमेल जो है मेल की तरफ मूव करेगा, उसे हम बोलेंगे एप कॉपुलेशन पाथ। ठीक है, तब ये दोनों पास आ जाएंगे, बोथ द प्रोन्यूक्लियस मूव टूगेदर टू द फाइनल पोजिशन विच इज समवेयर इन द एनिमल कोर। At this final position, nuclear membrane of both the pronuclei degenerate and chromosome of male and female pronuclei form pairs. तो इसमें 23 थे, इसमें 23 थे, अब ये दोनों पेयर बनाएंगे, अब जाके एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज एम्प्टी मिक्सेस। ठीक है, तो क्रोमोजोम नंबर 1 एक मेल से आया, क्रोमोजोम नंबर 1 एक फीमेल से आई, अब ये दोनों पेयरिंग बना के जो है 23 पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, 23 आए मेल स्पर्म में, 23 आए फीमेल स्पर्म में, अब 23 पेयर्स बन जाएंगे इन द जाइगोट। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हमको पता है। ठीक है, ओसाइट जो है कंप्लीट करेगा अपना मैच्यूरेशन, जब स्पर्म के कॉन्टेक्ट पे आएगा तो उसका मियोसिस 2 होगा, एम्फी मिक्सिस होगा। ठीक है, सेंट्रियल स्पर्म जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेंट्रियल बनाएगा, जो क्लीवेज मीन्स डिविजन ऑफ जाइगोट में हेल्प करेगा। पेटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग टू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मदर के भी कैरेक्टर्स आएंगे क्योंकि मदर का न्यूक्लियस आया, फादर के कैरेक्टर्स भी आएंगे क्योंकि फादर का भी न्यूक्लियस आया। साइटोप्लाज्म हमको याद रखना है, साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा मदर से आया, माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा मदर से आएगा, गॉल्जी बॉडी पूरा का पूरा मदर से आएगा, फादर से सिर्फ न्यूक्लियस आया और क्रोमोजोम्स आई, वो भी 23 क्रोमोजोम फीमेल से भी आई, बट माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्जी बॉडी सारा फीमेल से, तो फीमेल में से ज्यादा पार्ट आ रहा है जाइगोट में एज कम्पेयर टू मेल, बट क्रोमोसोम दोनों में से इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।